गाइस, तो सैमसंग ने रिलीज कर दिया अपने कुछ स्मार्टफोन के लिए न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कौन से स्मार्टफोन के लिए न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो रिलीज किया गया, क्या कुछ चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स के साथ अपडेट हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आप लोगों के पास सैमसंग का कोई सा भी स्मार्टफोन है तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट किया या तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सैमसंग ने ऑफिशियली A33 5G के लिए जो है वो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज कर दिए। बात करें इस अपडेट के बारे में, तो सबसे पहले चीज कि इस अपडेट के अंदर हमें दिसंबर की सिक्योरिटी पैच जो है वो इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ 1E5.2 विथ एंड्रॉयड 13 आने के बाद हमारे डिवाइस के अंदर फर्स्ट अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स जो है वो इस अपडेट के अंदर की गई है। क्योंकि 1E5.0 के अंदर हमें बग्स फेस करनी पड़ रही थी, तो उस बग्स को जो है वो काफ़ी हद तक इस अपडेट के अंदर फिक्स कर दी गई है। और गाइस, ये अपडेट जो है ना वो अभी आउट ऑफ इंडिया साउथ कोरिया के अंदर रिलीज किया गया, और इंडिया के अंदर हमें बहुत ही जल्द अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अगला अपडेट सैमसंग गैलेक्सी A53 5G के लिए रिलीज किया गया है, और गाइस इस अपडेट के अंदर हमें December 2022 का सिक्योरिटी पैच जो है वो इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस, ये अपडेट भी जो है ना वो 1E5.0 के बाद हमें फर्स्ट अपडेट देखने के लिए मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स के साथ ये अपडेट को रिलीज़ किया गया, और इसका भी सेम प्रोसेस है साउथ कोरिया के अंदर ये अपडेट को रिलीज़ किया गया, और बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर हमें 1 वीक के अंदर तक अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट अपडेट सैमसंग गैलेक्सी A10 के लिए रिलीज़ किया गया। फाइनली काफ़ी लंबे टाइम के इंतजार के बाद A10 के लिए न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो रिलीज़ कर दी गई। और गाइस, इस अपडेट के अंदर हमें January 2023 की सिक्योरिटी पैच जो है वो इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे सैमसंग के ओल्ड एंड बजट के स्मार्टफोन के अंदर हमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो है वो इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है। वैसे ये अपडेट अभी ग्लोबल साइड में रिलीज किया गया, और बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर हमें 7 से 10 डेज के अंदर तक फाइनली अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे सैमसंग क्या करता है। वैसे यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।